फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जो माउथोगन बिगिनर्स हैं, जो माउथोगन सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछते हैं कि विदाउट नोटेशन गाने को कैसे बजाया जाए। वो कहते हैं नोटेशन देख के तो हम बजा लेते हैं, लेकिन विदाउट नोटेशन कैसे सीखा जाए, क्या मेथड है, क्या ट्रिक है, इसके बारे में अगर कुछ बताया जाए। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। विदाउट नोटेशन अगर आप बजाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए क्या कोई ट्रिक है या कोई मेथड है, तो वही मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो लेसन में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स आपको, साइकिल ट्रिक या साइकिल एग्जांपल। जब आप साइकिल सीखते हैं, समझ लीजिए आपने अभी साइकिल छुआ नहीं है, आप पहली बार साइकिल पर बैठ रहे हैं, तो अगर आप सीट पर बैठ के हैंडल पकड़ के चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या ट्रिक फॉलो करना पड़ता है, या कोई पीछे से आपको पकड़े, बैलेंस करे और आप हैंडल पकड़ के पैडल मारते मारते आप चला सकते हैं, ठीक है। जब तक वो पकड़े रहता है तब तक आप चला पाते हैं, जैसे ही वो छोड़ देता है आप गिर जाते हैं शुरुआती दौड़ में, स्टार्टिंग में। या फिर आप जो बैलेंसिंग व्हील्स होता है, आपने देखा होगा साइकिल के जो पीछे का जो चक्का है, एक बैलेंसिंग व्हील मिलता है, दोनों तरफ से एक चक्का लगा दिया जाता है, तो वह चक्का आपको बैलेंस करता है और आप उसी चक्के के सहारे आपको बैलेंसिंग मिलता है और आप चला लेते हैं साइकिल। तो ये आप 10-15 दिन आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, आप उस चक्के के सहारे बैलेंसिंग जो व्हील्स हैं, बैलेंसिंग जो चक्का है वो आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं साइकिल को सीखने के लिए। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप विदाउट बैलेंसिंग व्हील्स आप सीख जाते हैं, वन फाइन मॉर्निंग ऐसा आता है कि आप विदाउट बैलेंसिंग व्हील आप देख रहे हैं अपने आप बैलेंस कर रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए आपने कैसे किया, ये कैसे सीख लिया आपने साइकिल, आपका जवाब होगा बस ऐसे ही बैलेंस करते करते चलाते चलाते हो गया, आपका यही जवाब होगा, और आप क्या जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से माउथ ऑर्गन प्लेइंग भी है विदाउट नोटेशन। पहले आपको कुछ सहारा लेना पड़ेगा, जैसे साइकिल सीखने के लिए आपने सहारा लिया, किसी का सहारा लिया जो पीछे आपको पकड़ेगा, बैलेंस करेगा, या फिर आपने बैलेंसिंग व्हील का सहारा लिया, ठीक है। तो उसी तरह से आपको पहले माउथ ऑर्गन सॉन्ग्स प्ले करने के लिए आपको नोटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ माउथ ऑर्गन को आप साइकिल समझिए और नोटेशन को आप बैलेंसिंग व्हील समझिए, ठीक है। तो जब तक आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, जब तक आप सीख नहीं रहे हैं, तब तक आपको बैलेंसिंग व्हील की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब तक आप माउथ ऑर्गन के जो होल्स के जो नेचर हैं, फूकने पर कौन सी आवाज़ निकलती है, खींचने पर कौन सी आवाज़ निकलती है, जब तक ये सब साउंड आपके दिमाग में रिकॉर्डेड नहीं हो जाता, तब तक आपको नोटेशन यूज़ करना है। फिर जब ये रिकॉर्डेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे रिकॉर्ड होते होते, जैसे आप साइकिल सीखते वक्त बैलेंस करते 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 अपने आप ये बैलेंस हो जाता है, उस दिन आपको बैलेंसिंग व्हील की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस दिन ये जो धुन है, ये जो साउंड है, ये जो होल्स हैं खींचने पर फूकने पर, हर एक होल्स के, अगर 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है तो 24 होल्स के साउंड के बारे में, खींचने पर फूकने पर कौन सी साउंड निकलती है, ये जब आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड हो जाएगा, तब आपको उस दिन नोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नोटेशन को साइड में रख दीजिए, आप विदाउट नोटेशन गाने को बजा सकेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आप साइकिल को एक दिन विदाउट बैलेंसिंग व्हील आप चलाना शुरू कर देते हैं, आपको बैलेंसिंग व्हील की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपके अगर आपको पूछा जाए आपने कैसे किया, तो आप इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कहेंगे बस चला रहा था, बैलेंसिंग करते 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 अपने आप से ये फिर बैलेंस होने लगा, मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप ग्रेजुअली विद टाइम विद एक्सपीरियंस ये हो गया। तो माउथ ऑर्गन प्लेइंग भी विदाउट नोटेशन इसी तरह से है फ्रेंड्स, बजाते बजाते ग्रेजुअली एक्सपीरियंस होते होते, आपका ये ब्रेन में साउंड रिकॉर्ड होते होते, ग्रेजुअली एक दिन अपने आप विदाउट नोटेशन आप बजा सकेंगे। और कोई दूसरा मेथड नहीं है फ्रेंड्स, बस इसी तरह से, इसी मेकानिज्म से यह काम करता है, बस आपको इतना याद रखना है। तो बस आपको क्या करना है, आपको नोटेशन देख के शुरुआती दौर में बजाते रहना, जितने भी गाने आप बजा सकें बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा आप विदाउट नोटेशन कोई भी गाना बजा सकेंगे और ये ऑटोमेटिक होगा। बस इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बजाते रहिए और अपने आप सब कुछ होता जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।